200 ग्राम भी शाहीन शाफरीदी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 एशिया कप 2023 का रोमांचक मुकाबला जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो चुका था, दोस्तों पहले पहले बाजी करते इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर पड़ गया था, जहां 4 रन बनाकर विराट कोहली, 11 रन बनाकर रोहित शर्मा व 14 रन बनाकर इस मुकाबले में शुभमन गिल आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन पारियों ने भारतीय टीम की रन की गति को काफी तेजी से आगे बढ़ाया, जिस चलते भारतीय टीम को रनों की गति मिली और भारतीय टीम का स्कोर काफी सम्मानजनक तक भी पहुंच गया था, जहां भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या की 87 रनों की पारी के बदौलत और ईशान किशन की 82 रनों की पारी के बदौलत 267 रन लगा दिए थे। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम उतरने वाली थी, इतने रन चेस के लिए बारिश आई लगभग 1.5 घंटे तक, और किसी भी मुकाबले में 1 घंटे से ज्यादा बारिश आती है तो ओवर बचते नहीं है और यह मुकाबला रद्द हो गया। दोस्तों इस मुकाबले को रद्द होने के बावजूद भी भारतीय टीम को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास 2 पॉइंट आ जाएंगे और अगला मुकाबला भारतीय टीम का नेपाल के साथ है। इसी के साथ भारतीय टीम ये मुकाबला हार कर भी जीत गई। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।